पाकिस्तान सचमुच कुत्ते की दुम बन चुका है जो कभी सीधा नहीं हो सकता। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत की सीमा में ड्रोन के जरिए घुसपैठ और जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया और उनका पाकिस्तानी ड्रोन ढेर हो चुका है। दरअसल भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एक क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है। ये ड्रोन पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG का था जिसे इंडियन सेना ने मार गिराया। ये ड्रोन भारत की सीमा में 70 मीटर तक घुस आया था। केरन सेक्टर में इस ड्रोन के जरिए जासूसी करने की कोशिश की जा रही थी और हथियार सप्लाई की साजिश हो रही थी। सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद को ड्रोन के जरिए गिराना एक नया तरीका है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आतंकियों तक पहुंचाने के लिए भी होता है और पाकिस्तान इसी फिराक में ड्रोन के जरिए कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान और आतंकियों के हैंडलर्स ऐसे क्वाडकॉप्टर के जरिए आतंकियों के लिए बंदूक या दूसरे हथियार भेजते हैं। इससे पहले ठीक ऐसी ही साजिश पंजाब से सटे भारत पाकिस्तान की सीमा पर हुई थी। अब ये क्वाडकॉप्टर क्या है इसे समझिए। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है जो हवा के रास्ते सीधे दूसरे देश में दाखिल हो सकता है। इस पर कोई आदमी बैठा नहीं होता, इसलिए किसी के जान जाने का जोखिम नहीं होता। न सिर्फ ये सीमा पार आतंकियों तक गोला बारूद पहुंचा सकता है बल्कि जासूसी भी कर सकता है और यहां तक कि दुश्मन देश के सीक्रेट इमेज ले सकता है। सर्वेलांस और आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसके अलावा ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर के जरिए हमले का खतरा भारत में इन दिनों पाकिस्तान की तरफ से काफी बढ़ गया है। भारत को पहले ही खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि पाकिस्तान ऐसी कुछ हरकत करने वाला है। पीर पांजाल रेंज में ड्रोन के जरिए पहले भी आतंकियों तक हथियार सप्लाई की जा रही थी। सितंबर के महीने में ही जम्मू और राजौरी में ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले हथियार सेना ने बरामद किए थे। इसी साल जून के महीने में BSF ने कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास राइफल और 7 ग्रेनेड से लदे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। ये क्वाडकॉप्टर इतना खतरनाक होता है कि दुश्मन चाहे तो बड़े बड़े धमाकों को इसके जरिए अंजाम दे सकता है। भारत को जानकारी मिली कि जिस क्वाडकॉप्टर को भारत ने मारा है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में भेजा गया था और उसके इशारे पर ही भारत में आतंकियों तक हथियारों की सप्लाई का खाका खींचा जा रहा था।